हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होली के बारे में कि होली के दिन क्या नहीं करनी चाहिए आपको। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपके घर में कंगाली आ सकती है, दरिद्रता आ सकती है। दोस्तों, भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं जिन्हें लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उसी में से एक है होली। यह फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और शाम के शुभ समय के मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के भक्त फलाद को हिना कश्यप ने होलिका की गोद में बिठाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। उस दौरान होलिका खुद जलकर राख हो गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद जिंदा वापस आ गए थे। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, तभी से होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में माना जाता है। यह त्यौहार इस बार होलिका दहन 17 मार्च और होली 18 मार्च के दिन मनाई जाएगी। होलिका दहन के समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस दिन भूलकर भी आप ये गलतियाँ ना करें, वरना आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आ जाएगी, बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी और घर में कंगाली हो जाएगी। तो आप ये गलतियां भूलकर भी ना करें। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक मानते हैं, इसलिए नवविवाहित कोई है अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, इससे उनके वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ सकती है। होलिका दहन वाले दिन किसी को भी उधार पैसे नहीं देनी चाहिए। ऐसे करने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, इस दिन उधार भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कंगाली वास कर लेगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर माता पिता की आप इकलौती संतान हैं तो होलिका दहन करने से आपको बचना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। एक भाई और एक बहन होने पर होलिका की अग्नि को प्रज्वलित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन होलिका दहन के लिए पीपल, बरगद या आम की लकड़ियों का इस्तेमाल ना करें। ये पेड़ दैवीय और पूजनीय पेड़ है। साथ ही इस मौसम में इन वृक्षों पर नई कोपले आती है, ऐसे में इन्हें जलाने से नकारात्मकता फैलती है। होलिका दहन के लिए गुल्लड़ या अरंड के पेड़ की लकड़ी या उपलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गाय के गोबर का जो उपला बनता है। इस दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, उन्हें कोई उपहार लाकर जरूर दें। ऐसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। किसी भी महिला का भूलकर भी अपमान ना करें इस दिन। दोस्तों, होली का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाली है। होली का पर्व हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है। होली के रंगों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। होली का धार्मिक महत्व भी होता है। होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन होली को दहन किया जाता है और होलिका दहन के एक दिन बाद दुल्हंडी यानी कि रंगों की होली खेली जाती है। होली के दिन कई कार्यों को करने की मनाही होती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो होली पर करने से आपको अशुभ फल देते हैं। तो दोस्तों, वो कार्य क्या क्या है ये भी आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि होलिका दहन के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। होलिका दहन के दिन आपको भूलकर आम, वट और पीपल की लकड़ियों को नहीं जलानी चाहिए। होली पर आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन लाभ होता है, लेकिन होली पर लड़ाई झगड़ा करने से सुख शांति का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। लक्ष्मी माँ के नाराज़ होने से आपको शुभ आर्थिक समस्याएँ हो सकती है। दोस्तों, होली पर आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। इस दिन अगर आपका शत्रु भी आपके घर आता है तो भी उसका अपमान ना करें। आपको आदरपूर्वक अपने शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी का अपमान कर अपने घर से लौटा देंगे तो आपको इसके कारण दुष्प्रभाव हो सकता है।
होली पर देर तक सोने की वजह से जीवन में आलस्य भर जाता है। ऐसे में होली के दिन सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। होली पर आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से नारायण की कृपा प्राप्त होती है। होली पर सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रंग अर्पित करना चाहिए। आपको होली खेलने के लिए इसी रंग का प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। होली खेलने से पहले भगवान को रंग अर्पित करना चाहिए। होली पर भूलकर भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की मिलती है। आपको होली पर सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।